This video is only for the education and knowledge purpose everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public दोस्तों क्राइम मीडिया चैनल पर आपका स्वागत है आज का जो जमाना है ये काफी मॉडर्न युग है इसमें पति पत्नी अगर शादी के बाद भी किसी दूसरी महिला या पुरुष से मिलते जुलते हैं तो ज्यादा एतराज़ नहीं जताया जाता एक जमाना था कि अगर आपकी शादी हो जाती है तो अब आपके लिए किसी पुरुष या महिला के साथ किसी तरह की दोस्ती रखना भी अच्छा नहीं समझा जाता था हालांकि इस खुलेपन के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं वो नुकसान क्या है ये आज की कहानी में आपको पता चलेगा आज की कहानी एक सच्ची क्राइम स्टोरी है राजीव वर्मा नामक युवक की यह राजीव वर्मा गाजियाबाद में रहते थे और इन्होंने कई बिल्डर्स के साथ काम किया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर इन्होंने अपनी जॉब की स्टार्ट की और उसके बाद काम करते करते आज वो एक मैनेजर की पोस्ट पर एक अच्छे नामचीन बिल्डर के साथ काम कर रहे थे इनके परिवार में इनकी खूबसूरत पत्नी शिखा वर्मा थी उनका एक बेटा था जिसकी उम्र चौदह साल थी और वो बुराड़ी के ही एक स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ता था राजीव और शिखा ने करीबन 16 साल पहले प्रेम विवाह किया था यह उन दिनों की बात है और उस समय राजीव एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का तौर पर काम करते थे और शिखा काफी रिच परिवार से थी उनके परिवार की मेरठ में एक नामचीन मिष्ठान भंडार थी और उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी उनके दोनों भाई थे उनकी ये इकलौती बहन थी उनके भाई ही सारी दुकान और इन चीज़ों को संभालते थे तो पैसे की कोई कमी नहीं थी एक शादी समारोह में इनकी मुलाकात होती है फोन नंबर का आदान प्रदान होता है बात आगे बढ़ती है और दोनों शादी कर लेते हैं शादी छुप कर की जाती है छुप कर इसलिए क्योंकि दोनों अलग अलग कास्ट से आते थे शिखा एक ब्राह्मण थी और वर्मा एक डिफरेंट कास्ट कैटेगरी में आते हैं तो शादी करने के बाद परिवार को बता दिया जाता है कि हमने शादी कर ली ज्यादा एतराज कोई जताता नहीं है मॉडर्न युग है और उसके अलावा फाइनेंशियली भी दोनों बराबर थे अगर शिखा के परिवार की मिष्ठान भंडार की दुकान थी काफी पैसा था तो राजीव के पिता भी पुलिस से रिटायर्ड थे और उनका भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था तो दोनों ही परिवारों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी राजीव जो एक बिल्डर के पास जॉब करते थे उन्होंने उनको दो अलग अलग साइट्स का काम दिया हुआ था इन दोनों साइट्स पर राजीव बारी बारी जाते थे एक साइड नोएडा में थी और एक साइड दिल्ली बाईपास पर थी अब एक दिन राजीव अपनी जॉब पर आते हैं अपनी क्रेटा कार से उतरते हैं तो उनके ऊपर ताबड़ तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं दो लड़के बाइक में पहले ही उनका इंतजार कर रहे थे पल्सर वो बाइक थी और उनके दोनों के ऊपर मुंह के ऊपर नकाब थे उन्होंने ताबड़ तोड़ राजीव पर गोलियां चलाई राजीव उन्हें बोलते हैं कि मैं वो नहीं हूं जिसके तुम समझ रहे हो मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है मुझे मत मारो मुझे मत मारो ऐसा बोलते बोलते वो जमीन पर गिर जाते हैं कंपनी के दो कर्मचारी वहां पर मौजूद थे उन्होंने इन गोलियों को चलते देखा वो राजीव की तरफ भागने लगते हैं और हथियारों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हथियारे उनकी तरफ बंदूक तान देते हैं और उन्हें धमकी दी जाती है कि अगर आप आगे बढ़े तो आपको भी गोलियां मार दी जाएंगी कर्मचारी वहीं रुक जाते हैं उसके बाद राजीव को गिरा हुआ देख उनके सारी बॉडी से खून बह रहा था हथियारे वहां से चले जाते हैं राजीव को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है क्योंकि दोनों कर्मचारी शोर मचाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद वहां से डॉक्टर उसे एक बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं क्योंकि हालत काफी गंभीर थी उधर से पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है और पुलिस भी उस जगह पर पहुंच जाती है पुलिस के पहुंचने के बाद पुलिस को पता चलता है जो भी वहां पर फोरेंसिक की जांच होनी थी जिस जगह पर जिस साइट पर राजीव को गोलियां चलाई गई उसके बाद पुलिस हॉस्पिटल पहुंच जाती है हॉस्पिटल पहुंचने पर जो कंपनी के कर्मचारी होते हैं उससे पहले ही वो राजीव के परिवार वालों को भी सूचना दे देते हैं राजीव के परिवार वाले वहां पहुंचते हैं तो उनके लिए एक छोटी सी अच्छी खबर यह भी होती है कि डॉक्टर बताते हैं कि राजीव की जान तो बचाई जा चुकी है लेकिन अभी गोलियां बाकी हैं गोलियां भी निकाली जा रही हैं लेकिन उनकी जान को खतरा नहीं है हालांकि वो काफी गंभीर रूप से घायल हुए हैं तो परिवार के लिए थोड़ी सी एक राहत की एक सांस होती है पुलिस के लिए भी थोड़ी सी राहत होती है कि चलिए जिसके ऊपर गोलियां चलाई गई वो बच गए इस वारदात को सबसे पहले कंपनी के दो कर्मचारियों योगपाल और शुभम ने देखा था लिहाजा सबसे पहले पुलिस ने उनसे ही पूछताछ कर घटना की जानकारी ली उनसे पूछताछ के बाद राजीव के परिजनों से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ जिसके पास जो भी जानकारी थी सब ने पुलिस को दे दी लेकिन ना तो कंपनी का कोई कर्मचारी और ना ही कोई परिजन यह बता सका कि राजीव पर यह हमला किसने किया परिजन यह भी नहीं बता सके कि राजीव की किसी से कोई रंजिश थी पुलिस के आला अधिकारियों ने हॉस्पिटल के बाद घटनास्थल का भी निरीक्षण किया बिल्डर और वहां काम करने वाले दूसरे कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई लेकिन कोई भी घटना के पीछे के कारणों का या राजीव के किसी से रंजिश का कोई भी पता नहीं चल पाया इंस्पेक्टर मुनीष प्रताप सिंह को अब तक की छानबीन से इस बात का आभास जरूर हो गया था कि बदमाशों ने जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया था उससे लगता था कि वे पेशेवर हैं और उन्हें यह भी आशंका लग रही थी कि वारदात को अंजाम दिलाने के लिए भाड़े के बदमाशों का इस्तेमाल किया गया हो क्योंकि उनका जो पैटर्न था वो इस तरह का था जैसे किसी को कोई सुपारी देकर भाड़े के बदमाश बुलाए जाते हैं क्योंकि बदमाशों ने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा था उन्हें राजीव के साइट पर पहुंचने की सटीक जानकारी थी इसलिए वे शायद पहले ही बाइक से आकर वहां खड़े हो गए होंगे मनीष प्रताप ने बिल्डर की साइड के आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि बदमाश शायद पहले से ही कुछ दूरी पर घात लगाकर राजीव के आने का इंतजार कर रहे थे तभी तो राजीव के कार से उतरते ही उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी राजीव जब गाड़ी से उतरा तो उसके हाथ में एक मोबाइल और दूसरे हाथ में लंच बॉक्स का बैग था एसएचओ मनीष प्रताप सिंह ने मृतक राजीव के भाई उपेंद्र की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा 307 में मुकदमा दर्ज कर लिया इस केस की के जिम्मेदारी एसएसआई दिलीप सिंह को सौंप दी गई क्योंकि केस पूरी तरह से ब्लाइंड था ना तो परिजनों ने और ना ही राजीव के ऑफिस वालों ने किसी पर शक जाहिर किया था मामले का खुलासा करने के लिए एसएचओ मनीष प्रताप सिंह ने तीन टीमों का गठन किया राजीव वर्मा के मोबाइल की सीडीआर निकालकर उसे खंगालने पर जोर दिया गया इस दौरान चश्मदीदों से पूछताछ करने पर पता चला कि हमले के दौरान राजीव कुमार ने गोली चलाने वाले बदमाश से जान बख्शने की गुहार लगाते हुए कहा था अरे भाई मुझे क्यों मार रहे हो लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है जिसे आप मारना चाहते हो वह मैं नहीं हूं लेकिन इसके बावजूद बदमाश नहीं रुके और उन पर तीन गोलियां और दाग दी यह पता चलने के बाद एसएचओ मनीष प्रताप सिंह को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बदमाशों का निशाना कोई और हो और गलती से उन्होंने राजीव को गोली मार दी हो इस शक की एक खास वजह यह थी कि राजीव के पास सफेद रंग की क्रेटा कार थी और उनके बिल्डर मालिक के पास भी उसी रंग की क्रेटा कार थी एक संभावना थी कि कहीं मारने वालों की रंजिश उस बिल्डर से हो और उन्होंने अनजाने में राजीव पर गोलियां चला दी हो अपनी शंका का निवारण करने के लिए इंस्पेक्टर मुनीष प्रताप ने बिल्डर को बुलाकर उनसे कुरेद कुरेद कर पूछताछ की लेकिन उन्हें कहीं से भी यह जानकारी नहीं मिली कि मामला किसी तरह की पहचान की गलती के कारण हुए हमले से जुड़ा है पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि बदमाशों ने जिस जगह वारदात को अंजाम दिया है वहां पर सीसीटीवी कैमरा तो लगा था लेकिन यह कैमरा खराब था अगर कैमरा काम कर रहा होता तो हमलावरों की पहचान करना आसान हो जाता इस जानकारी के बाद पुलिस को शंका हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हमले में कंपनी का ही कोई आदमी शामिल हो और उसी ने सीसीटीवी कैमरा घटना से कुछ समय पहले बंद कर दिया हो जांच पड़ताल की गई तो यह साफ हो गया कि कैमरा काफी दिनों से बंद था लेकिन एक बात साफ लग रही थी कि बदमाशों को इस बात की पक्की जानकारी थी कि राजीव वर्मा किस समय उस साइट पर आते हैं ऐसे में मनीष कुमार को यह भी शक हुआ कि कहीं बदमाश दिल्ली से ही तो राजीव की कार का पीछा नहीं कर रहे थे हो सकता है उन्हें रोड पर वारदात करने का मौका ना मिला हो जिसके चलते उन्होंने साइट पर पहुंचकर कार से उतरते समय घटना को अंजाम दिया हो लिहाजा मुनीष प्रताप ने उसी दिन दिल्ली से बिल्डर साइट की तरफ आने वाले कई रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की खाली लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई संदिग्ध हमलावरों को पकड़ने का कोई सुराग नहीं मिला कई दिन गुजर चुके थे सीओ तनु उपाध्याय लगातार हमले की इस घटना की जांच पर नजर रख रही थी इस मामले में राजीव की किसी से रंजिश या लेन देन के विकाप की कोई जानकारी सामने नहीं आई थी उसके बाद पुलिस ने दूसरे बिंदुओं पर भी जांच शुरू कर दी आमतौर पर हत्या या हत्या के प्रयास की किसी वारदात में अगर कोई पुरानी रंजिश या विवाद ना हो तो पुलिस अपने पुरानी पद्धति को यूज करती है जिसके बेसिस पर यह सर्च की जाती है यानी जर जोरू और जमीन यानीष प्रताप इसी थ्योरी से जांच को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं इंस्पेक्टर मुनीश महिला एसआई आई सरिता मलिक व कुछ दूसरे स्टाफ को लेकर खुद ही पड़ताल करने के लिए राजीव वर्मा के बुराड़ी स्थित घर पहुंच जाते हैं इंस्पेक्टर मुनीश ने राजीव के परिवार के प्रत्येक सदस्य के अलावा आस पड़ोस के, के लोगों से भी कुरेद कुरेद कर पूछताछ की इस पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी दरअसल जिस दिन राजीव पर हमला हुआ उससे अगले दिन उनके इकलौते बेटे का बर्थडे भी था और उस बर्थडे को मनाने के लिए काफी बड़े समारोह की योजना बनाई हुई थी होना तो यह चाहिए था कि राजीव के अस्पताल में होने के कारण इस समारोह को टाल देना चाहिए था लेकिन राजीव की पत्नी ने पति के अस्पताल में होने के बावजूद अगले दिन बड़े जोश के साथ धूमधाम से बेटे का जन्मदिन मनाया था यह जानकारी काफी हैरान करने वाली थी इसके साथ ही यह भी पता चला कि एक डेढ़ साल से राजीव की पत्नी अपनी शिखा से संबंध ठीक नहीं थे दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था हालांकि राजीव के परिजनों ने ऐसी किसी जानकारी से इनकार किया लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि राजीव वर्मा शिखा से सीधे मुंह बात नहीं करता था और उसे अक्सर डांटता रहता था इंस्पेक्टर मुनीश प्रताप को लगा कि हो ना हो इसी झगड़े में हमले की वजह छिपी हो सकती है पुलिस टीम ने अब तक राजीव के फोन की कॉल डिटेल्स निकालकर उनमें उन तमाम लोगों से पूछताछ की जो नंबर उनको संदिग्ध लगे लेकिन इस पूरी कवायद में कोई अहम जानकारी नहीं मिली लिहाजा इंस्पेक्टर मुनीश प्रताप ने राजीव की पत्नी शिखा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालकर उनकी छानबीन शुरू कर दी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पति से झगड़े की वजह से शिखा भी कोई ऐसी साजिश को अंजाम दे सकती है शिखा के मोबाइल पर आने वाले नंबरों की जांच पड़ताल जब शुरू हुई तो घर परिवार के नंबरों के अलावा केवल एक ही ऐसा नंबर था जिस पर शिखा की अक्सर बात होती थी और वो नंबर था चंदन विहार कॉलोनी के रहने वाले रोहित कश्यप का अब ये रोहित कश्यप कौन था कॉल डिटेल्स से कोई शक वाली बात सामने तो नहीं आई लेकिन यह नंबर राजीव वर्मा की कॉल डिटेल्स में भी आया था अब जो ये रोहित कश्यप था ये इसका उस इलाके में एक जिम था जहां पर राजीव वर्मा भी जाते थे और उनकी पत्नी शिखा भी उसी वर्क उसी जिम में वर्कआउट करने जाती थी राजीव सुबह जाता था जबकि शिखा उस वक्त जाती थी जब भी उसे वक्त मिल जाता था यानी कि एक तरह से रोहित कश्यप वह शख्स था जो पति पत्नी की जिंदगी में कॉमन था दोनों ही उनके जिम्मे के वर्कआउट करने जाते थे स्वाभाविक था कि दोनों ही उनसे किसी कारणों से फोन पर बात करते होंगे उन्होंने रोहित के बारे में विस्तार से जानने के लिए उनके मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालकर छानबीन शुरू कर दी छानबीन शुरू करते ही उन्हें महत्वपूर्ण क्लू मिला महत्वपूर्ण क्लू पुलिस के हाथ लग गया दरअसल जिस दिन 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 राजीव वर्मा पर हमला हुआ उस दिन और उससे एक दिन पहले रोहित कश्यप के मोबाइल की लोकेशन उसी जगह मिली जहां पर राजीव पर हमला हुआ था यह जानकारी महज संयोग नहीं हो सकती थी दिलचस्प बात थी कि राजीव से पहले और बाद में शिखा ने फोन से रोहित कश्यप से भी फोन कॉल की यानी कि जिस समय राजीव पर हमला हुआ उससे पहले और उसके बाद भी रोहित कश्यप से शिखा ने फोन पर बात की थी बस इंस्पेक्टर मनीष के लिए इतना सबूत काफी था उन्होंने 11 अगस्त 2019 को एक विशेष टीम का गठन किया एएसआई सरिता मलिक शिखा को उनके घर से और एस दिलीप सिंह ने अपनी टीम के साथ रोहित कश्यप को उनके जिम से गिरफ्तार कर लिया दोनों को सूरजपुर थाने लाया गया सीओ तनु उपाध्याय ने दोनों के सामने सारे सबूत दिखाकर कड़ी पूछताछ की तो उन्होंने अपना कबूल गुना कबूल कर लिया शिका ने बता दिया के उसी ने अपने ट्रेनी प्रेमर के में पड़कर उसके प्यार में पड़कर पति की हत्या करने के लिए रोहित को सुपारी दी थी पुलिस ने दोनों से विस्तृत पूछताछ के बाद अगली सुबह रोहित के दोस्त गोविंदपुरी दिल्ली निवासी रोहन उर्फ मनीष को भी गिरफ्तार कर लिया तीनों से पूछताछ में राजीव वर्मा शूट केस का सनसनी खुलासा हो गया और ये कहानी पूरी दोस्तों कहानी अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज छोटी सी प्रार्थना आपसे कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और इस छोटे से चैनल को ग्रो करने का मौका दीजिएगा आप जब कमेंट करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है हमें लगता है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आगे कहानी बढ़ाते हैं इस कत्ल की वजह जानते हैं शादी होने के बाद जब एक बेटा हुआ तो शिखा की खूबसूरती में हालांकि कोई कमी नहीं आई थी लेकिन घर में काम करने के कारण उसका फिगर बेडोल हो गया था शरीर पर काफी चर्बी जमने लगी थी जिसके कारण वह थोड़ी सी मोटी हो गई थी राजीव हालांकि अपनी पत्नी को बेहद प्यार करता था लेकिन शिखा के बढ़ रहे मोटापे के कारण पत्नी के प्रति उसका आकर्षण कम हो रहा था जब राजीव शिखा को पहले अपने दोस्तों के पास ले जाता था यानी कि किसी बर्थडे पार्टी में या ऐसे शादी समारोह में अब वो शिखा को अपने साथ ले जाने से कतराने लगा था कई बार यह इंसान की सोच भी हो जाती है क्योंकि शिखा खुद को मोटी समझती थी तो उसकी सोच भी ऐसी हो गई थी कि शायद राजीव उसे इसी वजह से अपने साथ नहीं ले जाता राजीव अक्सर शिखा पर उसका वजन बढ़ने के कारण कमेंट करता रहता था कि वह खुद को शीशे में क्यों नहीं देखती कितना मोटी हो गई है इन कमेंट से तंग आकर शिखा ने वजन कम करने का फैसला किया और राजीव की सलाह पर ही उसने नजदीक के चंदन विहार मोहल्ले में उसी जिम को ज्वाइन कर लिया जहां राजीव भी जाता था शिखा अक्सर दोपहर बाद या शाम को जिम जाती थी और जबकि ट्रेनर रोहित जो सारा दिन ही वहां पर जिम में रहता था वो सुबह के समय इसके पति को ट्रेन करता था और बाद में इसको उनका ट्रेनर रोहित अक्सर शिखा को प्यार भरी नजरों से देखता था और एक तरफ चाह पति की नजरों में शिखा को तिरस्कार दिखता था तो वहीं रोहित की प्यार भरी नजरों के कारण वह जल्दी ही उसके आकर्षण में बन गई रोहित कश्यप वैसे तो आठवीं पास था लेकिन उसका शरीर बेहद आकर्षक था कोई लड़की एक बार उसके चेहरे और सुडोल वदन को देख ले तो वह उसके मोहपाश में फंसे बिना नहीं रह सकती थी हालांकि कुछ साल पहले रोहित ने भी एक वाल्मीकि समाज की लड़की से विवाह किया था जो कि अंतर विवाह था और उनकी जो पत्नी थी वो आई में स्थित एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थी खुद रोहित पहले भिवानी के एक जिम में ट्रेनर की नौकरी करता था लेकिन दो साल पहले उसने बुराड़ी में अपना जिम खोल लिया था लेकिन अब अपनी पत्नी में उसका भी अक्सर झगड़ा होता था अब रोहित ने देखा कि शिखा धीरे धीरे उसके मोहपाश में बंध रही है और उसने एक और कदम आगे बढ़ाया अब वह वर्कआउट करते करते ना सिर्फ उसके नाजुक अंगों को सहला देता बल्कि अक्सर उसके फिगर और उसकी खूबसूरती की तारीफ भी कर देता बस यही वह खूबी थी जिसके कारण धीरे धीरे शिखा रोहित के प्यार में डूबती चली गई जिनमें वर्कआउट करते करते कब दोनों की नजदीकियां प्यार में बदली और कब दोनों के बीच अवैध संबंध कायम हो गए पता ही नहीं चला बहकी हुई औरत को जब किसी गैर मर्द के शरीर की गंद लग जाती है तो उसका दिमाग भी गलत दिशा में चल पड़ता है दोनों के नजायज रिश्ते को एक साल से ज्यादा हो गया था वर्कआउट करने के बावजूद शिखा का मोटापा कम नहीं हो रहा था पति राजीव ने ताने अब और ज्यादा बढ़ा दिए थे जिस कारण उनके बीच में अक्सर झगड़ा होने लग गया था पति के ताने अब शिखा को शूल की तरह चुभने लगे थे अब ताने बर्दाश्त से बाहर हो गए तो दो महीने पहले एक दिन शिखा ने अपने मन की बात रोहित को बता दी शिखा ने रोहित से कहा कि अगर वह उससे प्यार करता है तो उसे किसी भी तरह राजीव को उसकी जिंदगी से निकालना होगा शिखा के इरादे जानकर रोहित सहम गया शिखा ने राजीव से बदला लेने के लिए और उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए रोहित से मदद की गुहार की रोहित ने अपने एक पहचान वाले आदमी से एक पिस्तौल खरीदी और अपने एक दोस्त रोहन को भी इस प्लान में शामिल कर लिया शिखा ने बताया कि उसने ही राजीव को मारने की प्लानिंग की थी उसने कहा कि जिस दिन राजीव ग्रेटर नोएडा स्थित साइट पर जाता था वहां दोस्तों के साथ खाना शेयर करने के लिए अपनी मनपसंद का अधिक खाना पैक करवाकर ले जाता था और नोएडा की साइट पर जाने पर खाना कम पैक करवाता था लंच बॉक्स से ही जानकारी मिल जाती थी कि वह कौन से दिन किस साइट पर जा रहा है तेईस जुलाई को राजीव के कम खाना पैक करवाने पर शिखा समझ गई कि राजीव नोएडा जाएगा और इस पर लोकेशन की जानकारी उसने अपने प्रेमी रोहित को दे दी रोहित अपने दोस्त के साथ बाइक से पीछा कर ग्रेटर नोएडा और घटना को अंजाम दिया पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई पल्सर मोटरसाइकिल व एक पिस्तौल और कारतूस बरामद कर लिए रोहित और शिखा से पूछताछ के बाद पुलिस ने तीसरे आरोपी रोहन को भी गिरफ्तार कर लिया और तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें भेज दिया जेल भेज दिया गया जब तक ये कहानी लिखी गई थी तब तक राजीव का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और उसकी हालत खतरे से बाहर थी दोस्तों कुछ दर्शकों ने जिनपे हमारे वीडियोस पर कमेंट किया था उनके स्क्रीनशॉट्स हम यहां लगा रहे हैं इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कुछ लोग कुछ क्वेश्चन भी पूछते हैं हम कोशिश करते हैं उन क्वेश्चन के आंसर करने के लिए उसी टाइम रिप्लाई देकर एक जो वीडियो हमारा काफ़ी पॉपुलर हुआ था जिसमें हमने तेजाब खान के बारे में बताया था जो लुधियाना की हरप्रीत कौर के साथ हुआ था उस पर भी काफ़ी कमेंट आए हैं हमारा वो वीडियो साढ़े पाँच लाख व्यूज़ को क्रॉस कर चुका है और लोगों ने उसमें जो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि अगर वो पति नपुंसक था तो उसके बच्चे कैसे हुए तो नपुंसकता का आ, इस चीज़ का उत्तर भी कई हमारे जो व्यूवरशिप हैं उसमें डॉक्टर्स भी हैं उन्होंने आंसर दिया है कि नपुंसकता कई तरह की होती है और ज़रूरी नहीं कि वो तमाम उम्र नपुंसक ही रहे उसका इलाज करवाया जा सकता है आजकल का मॉडर्न युग है काफ़ी टेक्निक्स काफ़ी दवाइयाँ काफ़ी ऑपरेशन हैं तो वो उसे इस तरह से ठीक किया गया दूसरा एक एंगल ये था जो हमने बताया था जिससे काफी लोग सहमत भी थे कि इस तरह की घटना जब की जाती है तो जरूर उसमें एक लव एंगल भी होने के चांसेस रहते हैं कि शायद जो तलाकशुदा भाभी थी वो अपने देवर से प्यार करती थी यू नेवर नो तभी तो इतनी क्रूरता के साथ उसने अपने देवर की होने वाली पत्नी को तेजाप्स दलवा मरवा दिया अब सोचिए अदरवाइज उनका तो आपस में कोई लिंक भी नहीं था कि जो होने वाली पत्नी को वो तेजाब डलवाती अगर उसकी दुश्मनी होती तो वो इन लोगों के ऊपर डलवाती इनमें से किसी के ऊपर डलवाती ना कि उस शख्स के ऊपर जो शादी करके उस घर में आ रहा है कुछ स्क्रीन हमने यहां पर लगाए हैं इन दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से कमेंट करते रहिएगा हम आपके कमेंट्स को अपने वीडियो में शामिल करेंगे तो मिलते हैं नई कहानी के साथ क्राइम पेडिया चैनल पर